में इस वक्त की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रकार का रिजल्ट अप्रत्याशित था। इसको हम लोग नहीं समझते थे कि ऐसा रिजल्ट होगा। इसके पीछे परसों हम बोले हैं पटना गया में कि जैसे मैच फिक्स होता है वैसे ही लगता है कि ये रिजल्ट भी फिक्स था, यही कहना चाहते हैं। और फिक्स कैसे था वो तो बहुत से संसार के लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आजकल, परसों ये सब बातें आएगी। लेकिन अभी हमारे नालंदा के लोग आए हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने पार्टिकुलर बूथ पर 100 वोट दिया और वहाँ पर एक वोट भी हमारा नहीं था, सब दूसरे का था। तो ये जांच का विषय तो हो ही सकता है, बावजूद इसके हम इस पर बहुत उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहते हैं कि 2014 में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बात करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता को भ्रम में डाल करके वोट ले लिया था, आज जब 2019 का मामला आया तो 2014 की कोई बात को उन्होंने रिपीट नहीं किया। नया नया मुद्दा राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का उठाने का काम किया, तो उन्होंने राष्ट्रवाद का गलत नारा दिया और सेना का मार्केटिंग किया और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर हमारे युवाओं को भरमाने का काम किया। इस चीज़ को हम लोग जनता के नज़दीक सभ्यक रूप में नहीं ले जा सके, जिसके कारण आज उनकी जीत हुई है। नहीं जैसे राष्ट्रवाद का क्या वो नारा दे सकते हैं, जिस स्कूल के वो विद्यार्थी हैं आरएसएस के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आज भी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा नहीं फहराया जाता। इससे बढ़कर के भी राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई बातें हो सकती है क्या? लेकिन ये बात को हम जनता में कहने में फेल हो गए हैं। इसके चलते भी कुछ जो हमारे साथी लोग हैं भ्रम में आ गए और कहीं कि सच्चा राष्ट्रवादी भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग फेल हुए हैं, नहीं बता सके कि इसका सत्य क्या है। लेकिन ये सच्चाई है कि पुलवामा की घटना में हमारे 44 जवानों का जो शहादत हुई उसी के बल पर ये लोग आज चुनाव में जीतने में कामयाब हुए हैं। लोगों को समझाने में लगा कि हमने उसके एवज में अमुक जगह में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल का हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हमारा कहना है उसके पहले भी तो 5-7 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय हमने नहीं सुना था इस प्रकार की बात, और आज ये बार बार ये कहते गए।